गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस कोटा में हमारा आज दूसरा दिन है। आज कोटा से हम थोड़ा बाहर चलने वाले हैं। आज हम कहाँ जाने वाले हैं? हम जाने वाले हैं रावतभाटा। तो गाइस हम एक्सप्लोर करेंगे आज रावतभाटा को, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। वहाँ पर मेरा एक दोस्त भी जॉब करता है फॉरेस्ट में जॉब करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो है। तो वहाँ पर चलते हैं, वो हमें घुमाएगा। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर लेके जाता है। तो लेट्स सी गाइज, ये रावतभाटा का रोड है। अभी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है रावतभाटा, और रास्ता ठीक है, मतलब गड्ढे भी हैं यहाँ पे, लेकिन ठीक ठाक रास्ता है रावतभाटा का। खैर मैं सोचा था कि हाईवे होगा, स्टेट हाईवे, लेकिन ये रास्ता ऐसा ही है। हाँ अभी ठीक आया रास्ता, नई सड़क बनी हुई है यहाँ पे। इधर पानी दिखाई दे रहा है। वाओ, ये तो बड़ी खूबसूरत जगह है। तो गाइस ये है डैम। दो सौ तीस मीटर और दिखा रहा है यहाँ से उसका घर। अब यहाँ तो जंगल ही जंगल है, मेरे को लग रहा है। हाँ ये इनमें भी हो सकता है कहीं पे। जो कि क्वार्टर्स है, कार्यालय वन संरक्षक, इनफील्ड तो दिख रही है मुझे उसकी। ये रहा। और सेठ क्या हाल चाल? मिल गया रे, मिल गया भाई। तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ मेरे दोस्त के पास जो जंगल में है। तो इसका नाम है राजेंद्र। हेलो, बताइए आप किस पोस्ट में हैं यहाँ पे, और अभी अपन कहाँ जाने वाले हैं? अभी मेरे भाई, मेरे दोस्त विजेंद्र मेरे पास आए हैं यहाँ भैंस रोडगढ़ सेंचुरी, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा शहर के पास में है। और अभी भैंस रोडगढ़ सेंचुरी के रिलोकेशन सेंटर में हम भ्रमण करने जा रहे हैं, जहाँ पर मैं इनको क्रोकोडाइल पॉइंट पर 30-40 क्रोकोडाइल एक साथ दिखाने वाला। और उसके बाद हम दो वाच टावर और हैं, और वहाँ पे दिखाएंगे इनको, डैम का व्यू पॉइंट दिखाएंगे, प्लांट का व्यू पॉइंट दिखाएंगे, एंड उसके बाद जंगल में घूमेंगे। तो हो सकता है मंगल भी करेंगे। हो सका तो हम यहाँ पे लेपर्ड और वाइल्ड बोर भी देख पाएंगे। अच्छा, अब वो हमारी किस्मत है क्या क्या दिखता है। तो भाई अब निकल चुके हैं हम यात्रा पे मगरमच्छ ढूंढने। ये भाई साहब चला रहे हैं बाइक, मैं पीछे बैठा हूँ, गिरा मत देना बस मुझे। अरे नहीं गिराऊंगा भाई। गाइस देख लो जंगल कितना खूबसूरत होता है। वैसे मेरा यहाँ पे दो दिन का स्टे होना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश मैं सिर्फ आज ही हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँगा। अभी पतझड़ की वजह से जंगल सूख गया है, अभी बारिश में बहुत शानदार हो जाता है पूरा ग्रीन। हाँ तो नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा ना मैं, तो वही बारिश के रेनी सीजन में ही आऊँगा। वो जहाँ गेट पे भी अपन वीडियो बना रहे थे ना, वहाँ तक लेपर्ड आता है डेली, मतलब हर एक दो दिन में उसके फुटप्रिंट वहाँ मिलते हैं उस गेट के पास में। दिन में भी आते हैं या जानवर? नहीं, दिन में हिरन, ये नीलगाय की फोटो। तो ये बता कुछ दिखाएगा भी या नीलगाय की फोटो दिखाएगा? अब दिख जाए तो अपनी किस्मत है यार, जंगल है। बाकी पैंथर क्या काफ़ी चालाक होता है और थोड़ा शर्मिला भी कह सकते हैं उसको। वो इंसानों को से बहुत ज़्यादा डरता है, थोड़ा छुप के रहता है उनके सामने। और कोई ऐसे भी जानवर होते हैं कोई जो अपन पे हमला कर दे? हमला तो कोई सा भी जानवर कर सकता है, जब वो खुद को अनसिक्योर फील करेगा ना। हाँ। जैसे अभी लेपर्ड ही मान लो, उसके अपन बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएं, अपने को पता नहीं है और उसको भी नहीं पता। हाँ। तो वो अचानक डर के मारे अपने पे अटैक कर सकता है, उसको यूँ लगेगा कि अपन उसको मारने आए हैं या पकड़ने आए हैं। या फिर कोई भी जानवर की फीमेल हो, उसके साथ बच्चे हो, तो भी वो अटैक कर सकती है। तो और अभी हम पहुँच चुके हैं क्रोकोडाइल पॉइंट पे। तो गाइज ये क्रोकोडाइल पॉइंट है ये, और ये वॉच टावर है। तो ये वॉच टावर है हम जैसे नॉर्मल टूरिस्टों के लिए, तो वहाँ ऊपर जाओ और क्रोकोडाइल देखो बायनोकुलर की मदद से, या फिर आपके पास कैमरा है तो उसको जूम करके। लेकिन हमारे साथ है अभी वन रक्षक महोदय, तो इन भाई साहब ये हमको वहीं लेके जा रहे हैं। बस क्रोकोडाइल के मुँह में मत दे देना, बचा के रखना थोड़ा सा। तो गाइज ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है,
तो अभी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। और ये नदी के पास पहुंच चुके हैं हम। इधर आ जाओ सर, उधर अलाउ नहीं है। तो गाइस ये है क्रोकोडाइल पॉइंट, और अभी मैं दूसरा वाला अपना कैमरा निकालता हूँ, उससे आपको क्रोकोडाइल दिख पाएंगे, क्योंकि इस कैमरे में तो जूम है नहीं और क्रोकोडाइल है वो सामने। तो गाइज ये है क्रोकोडाइल पॉइंट, ये जो डैम है पावर प्लांट है उसका एक किनारा है, यहाँ पे पानी स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पर कई सारे मगरमच्छ हैं। अभी मगरमच्छों की जो है फुटेज है वो कैमरे से तो आपको अच्छे से व्यू नहीं हो पाएंगी, दिख नहीं पाएंगी, इसलिए यहाँ पे ड्रोन उड़ाएंगे और ड्रोन से सारे उनकी लेंगे। भी हमने बायनाकुलर की मदद से भी देखा था। तो यहाँ पे लगभग 40 मगरमच्छ हैं, सारे बड़े बड़े बिग साइज़ मगरमच्छ हैं और पूरे उस किनारे पे हैं। इधर की साइड क्या है कि टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं, अभी वॉच टावर भी दिखाया था मैंने आपको, तो वहाँ से आते रहते हैं और यहाँ तक भी आ जाते हैं। तो ये जानवर जो होते हैं, जो इंसानों की थोड़ी बहुत भी अगर आवाज़ आती है ना इनको, तो ये छुप जाते हैं, तो पानी में घुस जाते हैं। और जो सामने वाला किनारा है उधर अलाउ नहीं है किसी को जाना, और जाते भी नहीं है। वैसे जो फॉरेस्ट वाले भी, वो फ्रेंड मिला था वो यहीं पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही है, तो ये लोग क्या है उनको रोक के रखते हैं, उधर जाने को मना करते हैं। तो जितने भी मगरमच्छ सब उस साइड में निकल के धूप सेक रहे हैं अभी अपना। तो गाइज अभी देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा नज़ारा है ये। अभी मैं एक चट्टान के ऊपर एक शिला सी क्रोकोडाइल पॉइंट पे क्रोकोडाइल्स के संबंध में कुछ क्लेरिफिकेशन और कोई चीज़ें कि भाई किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके से यहाँ पे रहते हैं, वो सारा ये बताएंगे अपन को। जो अपने इंडिया में क्रोकोडाइल पाए जाते हैं वो मार्स क्रोकोडाइल होते हैं, जो इतने अग्रेसिव नहीं होते हैं, उनके नज़दीक जाने पर भी इतना अटैक नहीं करते वो। हाँ, कई बार सिचुएशन ऐसी हो कि वो कर भी सकते हैं अटैक, लेकिन इतना वो नहीं रहता अटैक करने का उनका चांस। और जो एलिगेटर होते हैं, जिनको अपने यहाँ घड़ियाल बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं, एलिगेटर बाहर विदेशों में पाए जाते हैं, जो खारे पानी के मगरमच्छ होते हैं वो अग्रेसिव होते हैं, वो अटैक करते हैं। तो गाइज अभी क्रोकोडाइल पॉइंट की सारी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ड्रोन भी उड़ा लिया, लेकिन यहीं पर 1.5 घंटा लग गया लगभग। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पर जाने वाले हैं। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टेशन पे, जो है राणा प्रताप सागर डैम। तो यहाँ पर एक गेट अभी खुला हुआ है और यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है गाइज, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। अगर कभी आप कोटा आओ तो रावतभाटा ज़रूर आना। और इधर की ये लोकेशंस जो है ना वो बहुत ही शानदार है, पूरा वीडियो देखना, और भी अच्छी अच्छी लोकेशंस यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे ज़रूर आना। तो और गाइज मैं बता दूँ, यहाँ पे इसके जस्ट पीछे पावर प्लांट भी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसके लिए भी। और एक चीज़ ये भी है, यहाँ पे ये जो दिख रही है ना आपको खाई सी, तो ये वो है पानी से बिजली बनाते हैं ना, टरबाइन वाटर प्लांट, तो वो है ये रेनबो। वाटरफॉल पे रेनबो बन रहा है गाइस, दिख रहा है अच्छी तरीके से। देखो गाइस, मैंने तो अभी तक सिर्फ बारिश में देखा था। चूलिया फॉल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चूलिया फॉल राजस्थान का नदी की सतह पर सबसे ऊंचा, यानी कि 9 मीटर का जलप्रपात है। ये जो वाटरफॉल है ये 9 मीटर का है और राजस्थान की नदी का सबसे ऊंचा है, जो राजस्थान में नदियाँ बहती हैं उनमें सबसे ऊंचा यही है चूलिया फॉल। तो अभी देखते हैं इसका कैसा क्या नज़ारा बनता है। हमारे दोस्त लोग आगे निकल चुके हैं। तो
गाइस ये है चूलिया फॉल। देखा कितना सुंदर नज़ारा है और इसके जो चूटे हैं ना हवा के साथ उड़ के यहाँ तक आ रहे हैं मेरे तक, तो यहाँ पे फुहारें महसूस हो रही है। और इसका जो चूलिया फॉल का जो मतलब व्यू है वो इसी टाइम दिखता है क्योंकि अभी जो डैम है ना उसका सिर्फ एक गेट खुला हुआ है। अगर सारे डैम के गेट खुल जाएंगे, मतलब डैम के सारे गेट खुल जाएंगे, तो ये पूरा ओवरफ्लो हो जाएगा और पूरा पानी ऊपर से निकल जाएगा, तो फिर यहाँ पे फॉल जैसा कुछ रहेगा नहीं। तो अभी नज़ारा सिर्फ अभी तक के लिए ही, अगर बारिश हो जाएगी, तेज़ बारिश हो जाएगी, तो डैम के ज़्यादा गेट खोलने पड़ेंगे, फिर उसके बाद में तो ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो मतलब जो सुंदर नज़ारा है वो अभी के लिए है, तो देख रहे हैं तो आ जाओ अभी कल। अभी हम निकल लिए वापस कोटा के लिए, राउत भाटा टूर हो चुका है पूरा, रात काफ़ी हो चुकी है, तो अभी कोटा चल के मिलते हैं, मेरा होटल है। तो गाइज़ अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा लीजिएगा।